हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे मसल पंप के बारे में कि मसल पंप होता क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि जिम की सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ क्या होती है, तो मैं उसको दो वर्ड में आंसर दूंगा कि मसल पंप। मसल पंप इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग इनसाइड द जिम। जिम के अंदर जो आपको सबसे बेहतरीन चीज़ मिलती है वह होती है मसल पंप। अब जानते हैं कि मसल पंप आखिर होता क्या है। मसल पंप इज़ द टेम्परेरी इंक्रीज इन द मसल साइज। कहने का मतलब, टेम्परेरी रूप से जब आपका मसल साइज थोड़ा सा बढ़ता है तो उसको हम मसल पंप बोलते हैं। अब होता यह है कि जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जब आप जिम के अंदर वेट्स उठाते हैं और इन वेट्स को बार बार उठाते हैं, कई सारे सेट्स रेपिटेशंस परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो मसल है वह बड़ी सी हो जाती है, बड़ी बड़ी सी लगती है, भरी भरी सी लगती है, टाइट हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम मसल पंप बोलते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही आप अपना वर्कआउट ख़त्म करते हैं तो उसके एक घंटे के अंदर ही अंदर ये जो सारा जो पंप, जो मसल पंप आपने अचीव किया है, जहाँ पर आपकी जो मसल बड़ी बड़ी सी लगती थी, भरी भरी सी लगती थी, पूरी टाइट हो जाती थी, वह सब गायब हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला इट इज़ द टेम्परेरी इंक्रीज इन द मसल साइज। यह मसल पंप थोड़े समय के लिए ही रहता है। मसल पंप में आपकी मसल थोड़े समय के लिए बड़ी हो जाती है, थोड़े समय के लिए बड़ी बड़ी सी लगती है, भरी भरी सी लगती है, टाइट हो जाती है। और जैसे ही आप वर्कआउट अपना ख़त्म करते हैं, घर जाते हैं, तो थोड़े समय बाद ही जो आपका साइज बड़ा बड़ा सा दिख रहा था मसल का, वह नीचे आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, जितना था उतना हो जाता है। सो इसी टेम्परेरी इंक्रीज को हम मसल पंप बोलते हैं। मसल पंप आपको इसलिए मिलता है क्योंकि जब आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी आपके वर्किंग मसल पे ज़्यादा ब्लड भेजती है। वर्किंग मसल कहने का मतलब, जो वर्कआउट आप परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप का वर्कआउट परफॉर्म करें, तो यहाँ पर आपकी जो बाइसेप की मसल हुई वो वर्किंग मसल हुई। तो जब भी हम आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी जो भी वर्किंग मसल है वहाँ पर ज़्यादा ब्लड भेजती है, ज़्यादा ब्लड फ्लो कराती है, जिसके कारण हमारा जो मसल साइज़ है वो बढ़ जाता है, हमें मसल पंप मिलता है टेम्परेरी रूप से। मतलब जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रेपिटेशंस लगाते जा रहे हैं, तब तक आपको यह इंक्रीज इन साइज देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप अपना वर्कआउट ख़त्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही जितना आपने यह मसल साइज़ इंक्रीज किया है, जो देखने में लग रहा था कि बड़ा हो गया है मसल, वह धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। सो हम मसल पंप को यह भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ योर मसल ड्यूरिंग वर्कआउट। आई होप आपको मसल पंप क्या होता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हर जिम जाने वाले की एक तमन्ना होती है कि उसको वर्कआउट के दौरान बहुत ही बेहतरीन मसल पंप मिले, और मुझे यह टॉपिक मसल पंप इतना पसंद है कि मैंने इसके ऊपर 6 वीडियोस बनाए हैं और एक बुक भी लिखी है। सो अगर आपको मसल पंप के ऊपर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेक श्योर आप इन 6 वीडियोस को ज़रूर देखें, और जो मैंने बुक लिखी है उसको डाउनलोड करें और पढ़ें ज़रूर। इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। जो 6 वीडियो मैं आपको देखने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसल पंप के दौरान आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे रिलैक्स मसल के साथ क्या होता है, आपकी कॉन्ट्रैक्टेड मसल के साथ क्या होता है, क्या साइंस इन्वॉल्व है पंप के अंदर, पूरा पंप मैकेनिज्म मैंने उन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। और इन वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी वर्कआउट टिप्स, जिनको यूज करके आप जिम के अंदर एक अच्छा मसल पंप अचीव कर सकते हैं। इन वीडियोस में आपको मिलेगी बहुत सारी न्यूट्रिशनल टिप, जिनको यूज करके आप अपने मसल पंप को वर्कआउट के दौरान मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी उन सप्लीमेंट्स के बारे में, जिनका यूज करके आप एक अच्छा मसल पंप जिम के अंदर अचीव करते हैं, जैसे कि L-citrulline, citrulline, citrulline malate, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी इन वीडियोस में। और जो लोग सप्लीमेंट नहीं यूज करते हैं उनके लिए बहुत सारे फूड आइटम भी बताए हैं, जिनका प्री वर्कआउट में आप कंज्यूम करते हैं तो आपको जिम के अंदर बहुत ही इफेक्टिव मसल पंप देखने को मिलता है। और अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो मैंने मसल पंप के ऊपर एक बहुत ही इफेक्टिव, कंसाइज एंड डेप्थ इंफॉर्मेशन वाली बुक लिखी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में आपको मसल पंप के ऊपर सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit. Bye. Jai Hind.